हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर वर्क किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर कुरकुरे और साथ में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला शेक। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, जिसे ऐसे क्यूब्स में हमने काट लेना है। और अब हम एक बाउल में डालेंगे क्वार्टर कप मैदा, क्वार्टर कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और पुदीना 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। या तो आप फ्रेश वाला पुदीना भी डाल सकते हैं या आप ड्राई करके भी डाल सकते हैं। अब ड्राई पुदीना कैसे होता है, बस धूप में रख दे 3-4 दिन ड्राई हो जाता है। अब गार्लिक का इसमें पेस्ट डालूंगा 1 टीस्पून। बस मैंने 10 पीस गार्लिक को अच्छे से इसमें कूट लिया है मडल में, बस हो गया। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप पानी और इसे करते हैं मिक्स। अब ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें 1/4 कप पानी हम और इसमें ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी एक अच्छा सा बैटर बन जाएगा। एंड दैट्स इट, बैटर हमारा रेडी है। इसे बहुत ज़्यादा फैटने की ज़रूरत नहीं है, बस लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हमारे पास में है कॉर्नफ्लेक्स। ये नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स हैं, वो जो सस्ते वाले वो जो मिलते हैं बाज़ार में वो वाला है मेरे पास में। उसे अच्छे से, ये 2 कप है मेरे पास में, इसे अच्छे से अब हमने चूर कर लेना है। ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। अब आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ अपने बैटर की। ये देखिए, एकदम साफ चम्मच मैंने अंदर में डाला है, उल्टा करके डालता हूँ। ये देखिए, एकदम भी गिर नहीं रहा है, उसे इसने कोट कर लिया है। अब हमने बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम भैया करना है, कोई भी मेहनत नहीं है, बस इसके अंदर में घुमाएं बैटर के अंदर में पनीर को और ऊपर से कॉर्नफ्लेक्स ऐसे हमने चिपका देने हैं, ऐसे घुमा घुमा के। दूसरे वाले हाथ से घुमाना है, सूखे वाले हाथ से। इससे क्या होगा, कॉर्नफ्लेक्स हमारे ख़राब नहीं होंगे, उसके ऊपर में हमारा बैटर ज़्यादा नहीं लगेगा और कॉर्नफ्लेक्स जल्दी जल्दी से सॉफ्ट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। वैसे सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये देखिए बन गए, ऐसे ही हमने कर लेना है सारे पीसेस को। हो गया, अच्छा लग रहा है। अब ऑयल के पास में चलते हैं। ऑयल हमारा अभी हाई फ्लेम पर है, अब अपनी लो फ्लेम करेंगे, उसके बाद में इसे ऐड करेंगे। एक पीस में डाल के चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तेल हमारा ठीक है, मीडियम हॉट ही अभी होना चाहिए। लो फ्लेम अपनी करें और इसमें सारे अपने पीसेस को ऐड कर दें, चाहे तो सबको कर दें, चाहे तो 2 बार में आप फ्राई कर सकते हैं, मैं 2 बार में करूँगा। अब उसके बाद में अपनी फ्लेम को अब अपने हाई अपने कर देना है। हाई फ्लेम करने के बाद में अब आप इसे थोड़ा थोड़ा हिला डुला भी इसे सकते हैं। हो गया, अब ये गाइस गोल्डन हो गया। अब थोड़ा सा बस इसे हमने गोल्डन वगैरह करके रेड टाइप का बस हमने इसे करना है और इसे निकाल लेना है। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल ही गोल्डन एंड रेडिश टाइप का हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हमने निकालना है पेपर टॉवल के ऊपर में, यानी कि पेपर नैपकिन के ऊपर में। ये देखिए, लग रहा है ना मस्त। अंदर से पूरा जूसी है क्योंकि पनीर है और बाहर से पूरा क्रिस्पी है। और इसे मैं सर्व कर रहा हूँ कोकोनट शेक के साथ में। इस शेक की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो अभी के अभी फटाफट जाके देखें, इससे जस्ट पहले मैंने अपलोड की थी। कितना मस्त लग रहा है, एकदम KFC के चिकन के जैसा लग रहा है। मैंने कभी खाया तो नहीं है लेकिन मैंने देखा जरूर है, ऐसा ही लगता है चिकन भी ऊपर से, अच्छा लग रहा है ना गाइस। फिर आप भी बनाएं अपने घर पे, इंजॉय करें, लॉकडाउन चल रहा है, जैसे तैसे हमने खाने बनाने हैं, बनाइए।